लक्सर सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। लक्सर रोड की तहसील क्षेत्र के मरगूबपुर मुस्तफाबाद मदरसा जामिया हुसैनिया के प्रबंधक तथा जमीयतुल उलमाए हिंद के जिला सदर मौलाना हारून ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के चलते हर मुस्लिम पुरुष और महिला को अपने घर में रहकर ही वक्त गुजारे। यह रमजान मुबारक का महीना है, अपने घर में रहकर ही इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बला और अजाब से निजात फरमाए, क्योंकि कोरोना वायरस एक महामारी बीमारी है जिससे बचना बहुत जरूरी है। आदमी दूरी बनाकर रहे और एक दूसरे को दूरी बनाकर रखने को कहें तथा मुंह पर मास्क लगाकर रखें। वही मौलाना हारून ने अपने बयान में बताया कि अब की बार रमजान के महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं और मस्जिदों के अंदर 5 लोगों से ज्यादा नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के चलते लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो ऐलान किया गया है उसे को सभी आलिम होने कबूल करते हुए अपने मदरसों की छुट्टी कर दी और सभी बच्चों को अपने घर पर रहने की ताईद की। मदरसा जामिया के अंदर 2000 बच्चे थे जो यहां तालीम हासिल करते थे, सभी की छुट्टी कर दी गई। मौलाना हारून ने बताया कि यह साल ऐसा है जहां हिंदू मुसलमान सभी के चेहरे पर उदासी है और खुशी किसी के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही है। मौलाना हारून ने बताया कि इस महामारी के चलते जमीयतुल उलमा की ओर से गरीब लोगों की मदद की जा रही। ये कोरोना वायरस के नाम से एक मोहलिक बीमारी है जिसने पूरे आलम को, सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और ये हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान इस बीमारी की यहाँ पर भी जो है वो दस्तक है। तो सरकार की तरफ से तो अपील है ही, सरकार की अपील के साथ साथ हमारे ख़ास तौर से उलमाए कराम, दानिश्वराने कौम मिल्लत, वो भी बराबर अपीलें कर रहे हैं कि भाई जो महकमे सेहत की हिदायत है एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से उनके ऊपर जो है वो खूब अमल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अमल उसके ऊपर जो है वो हो रहा है और करना भी चाहिए। मदरसा जामिया हुसैनिया है, यहाँ पे तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब सरकार की तरफ से ऐलान किया तो हमने फौरन मदरसे की जो है वो छुट्टी कर दी। तो जहाँ 2000 बच्चे पढ़ते हो अब तो आपको जो है वो कोई बच्चा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक मोहलिक बीमारी है, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला इस मोहलिक बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए। अब रमज़ान का महीना है, लोग जुमा अपने घरों में पढ़ रहे हैं और नमाजें जो है वो अपने घरों में पढ़ रहे हैं, मस्जिद में 4-5 लोग मिलकर के जो है वो तरावी की नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ को जो है वो सुनते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से ये ऐलान है, हमें सरकार की तरफ से जो आर्डर मिला है और सूखे राशन का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और बहुत खूबसूरती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी के साथ चल रहा है। अलबत्त हम कोई वीडियो नहीं बनाते, किसी का जो है वो हम फोटो जो है वो नहीं लेते। और हमारे खादर इलाके के मोहतरम कारी मोहम्मद इरफान साहब है जो जमीयत सूबा उत्तराखंड के नायब सदर है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 लोगों को सूखा राशन और जेब खर्च और इसके अलावा जरूरियात का सामान जो है वो दे चुके हैं। ये सब जमीयत के प्लेटफार्म से जो हो रहा है और इंशाल्लाह ये होता रहेगा, क्योंकि हमें हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से यही हिदायत है, उनकी हिदायत पर हम चलते हैं और अमल करते हैं।